हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस आज बहुत यमी बहुत टेस्टी नाश्ता बनाने जा रहे हैं। तो देख सकते हैं ये दो टमाटर, प्याज, लहसुन की 3 कलियाँ, 2 हरी मिर्च और 1 अदरक का टुकड़ा हमने डाल दिया है। ये 1 आलू मीडियम साइज़ का कट कर दिया है। कट करके इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए इसमें मिर्च डालेंगे, अदरक लहसुन डाल दिया है, प्याज 1 आड़ी जो हमने कट करके रखी थी 1 पीस, और ये 2 टमाटर। पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। अगर आप टमाटर नहीं ऐड करते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये हमारा आलू ग्राइंड हो जाए अच्छे से। तो हम पानी नहीं ऐड करेंगे, हम टमाटर को ग्राइंड कर लेंगे। ये डाल दिया है धनिया पाउडर 1 स्पून, ये 1/2 स्पून ज़ीरा डाल दिया है, और अब डाल देंगे हींग 5 से 6 पिंच। अगर आपके पास वो रोड़ी वाली हींग आती है वो है तो वो आप थोड़ा सा डालें। और ये डाल दिया लाल मिर्च और हल्दी पाउडर 1/2 स्पून, और ये डाल दिया सौंफ। गाइस जिसमें गर्मी बहुत ज़्यादा है तो सौंफ बहुत फ़ायदेमंद होती है पेट के लिए। तो ये देखिए चाट मसाला डाल दिया है, गर्म मसाला 1/2 टेबल स्पून, और ये ग्राइंड कर लिया है, अच्छे से पेस्ट बना लिया है। अगर इसमें एक भी लंग्स रह जाते हैं तो आप उसे हटा दें या फिर से ग्राइंड कर लें, क्योंकि अगर ये इसमें लंग्स रह जाते हैं ना तो पूड़ियाँ हमारी फूलेंगी नहीं। तो देख लीजिए 1 कप ले लिया है हमने गेहूं का आटा, और 1/2 कप ले लिया है हमने चावल का आटा। स्पून से देखा जाए तो 4 स्पून हमने चावल का आटा लिया है। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, लगभग 2 स्पून के करीब डालेंगे, जिसका मोयन लगाएंगे और स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, और उसको मिक्स करके हम इसका पेस्ट जो पीस कर रखा था वो भी ऐड कर देंगे इसी में। और इससे हम आटा का लगाएंगे डो। देखिए पहले हम मसाले को मिक्स कर लेंगे पूरे, अगर हमें ज़रूरत लगी तो हम पानी ऐड करेंगे, वरना हम पानी ऐड नहीं करेंगे। और इस तरह से देखिए आलू के अगर पीसेस रह जाते हैं तो आप हटा दीजिए। और ये देखिए डो लगकर तैयार है, हमको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी है, उतने से ही हमारा लग चुका है डो अच्छे से टाइट। और ये देखिए अब हम थोड़ा सा ऑयल लगा करके इसको रख देंगे, जिससे कि ये पपड़ी ना पड़े, सूखे नहीं, और अच्छे से सेट होने के लिए 15 मिनट के लिए कम से कम रखना है। पूड़ियों का डो टाइटली लगाना है, जिससे कि अधिक ऑयल ना सोक करें और अच्छी बने फूली। देखते रहिएगा। तो ये देखिए मसल लिया है फिर से, और हमने इस थोड़ा सा ले लिया है। अब इसकी हम बनाएंगे लोइयाँ, तोड़ेंगे जैसे कि हम पूड़ियों के लिए लोइयाँ तोड़ते हैं। तो ये देख सकते हैं, आप नाइफ की सहायता से भी कट कर सकते हैं, हमने हाथों से कट कर लिया है। तो ये इस तरह से हम इतनी मीडियम साइज़ की हम लोइयाँ तोड़ेंगे, बहुत बड़ी नहीं और बहुत छोटी भी नहीं। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हम गोल करते हुए इसको रोल कर लेंगे। तो ले लेंगे सूखा आटा, ये देखिए इस तरह से लगाएंगे, स्प्रेड कर लेंगे, और हम बेलन से बेल लेंगे। आप चाहें तो आप ऑयल भी लगा सकते हैं। तो अब इस तरह से हम बेलते हुए मीडियम थिकनेस की हम रख लेंगे बेल करके, पूरे लगभग सारे से एक बेल कर रख लेंगे। उसके बाद हम एक साथ सेकेंगे, देख सकते हैं इस तरह से रखते जाएंगे प्लेट में। दूसरी भी देख लीजिए उसी तरह से बनाएंगे हम, और इसे ही हम रखते जाएंगे। तो इस तरह से सूखा आटा लगा लिया, और फिर से हम बेलन से इसको बेल लिया। तो देखिए जितनी बड़ी आपको चाहिए पूड़ी, बस उतनी बड़ी लगानी है। ये देखिए इस तरह से अगर गांठ रह जाती है ना तो हमारी पूड़ी इस तरह से बीच से टूट जाएगी, फट जाएगी, तो ये फूलेगी नहीं। तो इस तरह से फिर से लोई बना करके इसको हम फिर से बेल लेंगे बेलन से। वैसे ये पूड़ियाँ बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी लगी थी हमारे बच्चों को, क्योंकि हमने पहले घर में बना करके ट्राई करी, बच्चों को खिलाया, उसके बाद में हम आपको बता रहे हैं। तो ये देख सकते हैं गाइस, इसमें जो हमने सारी पूड़ियाँ बेल कर रख ली हैं, तो ये इस तरह से थोड़ा सा डो डाल कर देखेंगे, देखिए अच्छे से बबल्स आने लगे हैं। तो इसको हम पूड़ियों को डाल देंगे इसमें एक एक करके, और फ्लेम को कर लेंगे बिल्कुल मीडियम, बहुत धीमी नहीं, मतलब मीडियम, हाई टू मीडियम रखेंगे फ्लेम को। और इसे इस तरह से देखिए हल्का हल्का, पहले हमने टच नहीं किया है, जब ऊपर आने लगी है हमारी पूड़ी तब हम उसको कर्सर की सहायता से उसको नीचे की तरफ प्रेस कर रहे थे, और हमारी पूड़ी देखिए फूल का अच्छे से आ गई है। देखिए इस तरह से हम दबाते हुए नीचे को दबाते रहेंगे हल्का हल्का, तो ये पूड़ी हमारी फूल जाएगी इस तरह से। और देखिए कितनी बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो गई है एक साइड से, अब ये देखिए दूसरी साइड से इसको पलट दिया है। तो इसी तरह से गाइस गोल्डन ब्राउन करेंगे, लगभग एक पूड़ी सिकने में 3 से 4 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि इनको हमें खस्ता और क्रिस्पी बनाना है इस वजह से। और ये देखिए इस तरह से हमारी हो गई है, तो इनको हम साइड में निकालते हुए रोक देंगे, जिससे कि एक्स्ट्रा जो ऑयल है ना वो हमारा फिर से कढ़ाई में चला जाए। तो ये देख सकते हैं इसी तरह से हम दूसरी भी देखेंगे। देखिए आपको हम 4 पूड़ियाँ लगभग दिखाएंगे, ठीक है, और सारी की सारी आपको फूली हुई पूड़ियाँ दिखेंगी। आप देख सकते हैं 2 वो हमने दिखाई थी, 2 और ये दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम प्रेस करते हुए, ये देखिए हल्का हल्का सा ऑयल डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं, आपको दिखाने के लिए हमने हटा ली थी कर्चर। तो ये देखिए किस तरह से हमारी फूल करके पूड़ी आई है।
अब देखिए हमने चौथी पूड़ी भी डाल दिया उसी तरह से। देखिए इसी तरह से दबाते हुए हम इसको फुलाएंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से दबाना है जिससे कि कढ़ाई में हमारी टच भी ना हो पूड़ी और अच्छे से फूल कर आ जाए। तो देख सकते हैं ये इस तरह से करते हुए हम फुला लेंगे। ये देखिए, तो ये देखिए चौथी पूड़ी भी फूल कर आ गई, तो आपके सामने ही सारा है। ये अच्छे से फूल कर यम्मी आती है। और गाइस सबसे ख़ास बात यह है कि इसके मसाले बिल्कुल मसाला पूड़ी बन करके तैयार हुई है। तो आप देख सकते हैं हम आपको दिखा रहे हैं सामने ही कि कितनी यम्मी और कितनी टेस्टी पूड़ियाँ बन करके तैयार हुई हैं। तो ये मसाला पूड़ी, इनको किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, इन्हें किसी भी चटनी की ज़रूरत नहीं है। इतनी यम्मी, इतनी टेस्टी लगती है ना कि आप इनको ऐसे सूखा खाना पसंद करेंगे। बच्चे तो हमारे दम से, सच पूछिए तो 2 मिनट में सारी कचौड़ियाँ को ख़त्म कर दिया था। इतना यम्मी, इतना टेस्टी लगी थी उनको। बस इसमें कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं कि नॉर्मल जब हम पूड़ियाँ सेकते हैं तो अच्छा हॉट ऑयल होना चाहिए, और डो जब लगाते हैं हम तो इसको अच्छे से हार्ड डो लगाना चाहिए, और 15 मिनट के लिए रेस्ट पर ज़रूर रखना चाहिए। देखिए हमारी पूड़ियों में बिल्कुल ऑयल नहीं है, आप देख सकते हैं एकदम से, और यम्मी टेस्टी सिकर के तैयार हुई। तो अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर हमें भेजें जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।